हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो टॉपिक है वो हिंदी से ही है। बहुत सारी मैंने वीडियो हाउ टू लर्न हिंदी से डाला हुआ है और बहुत सारी हिंदी स्वर व्यंजन ये सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग नीचे जाकर वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर रिम मिश्रा पर, और हैशटैग रिम मिश्रा सर्च भी कर सकते हैं, और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और एक बेल आएगी उसको भी दबा देंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूँगी वो आप तक ईज़िली पहुँच जाएगा। तो आज की जो टॉपिक है वो है हिंदी से, कि अगर हम लोग हिंदी सीख लेते हैं तो हम लोग आगे क्या क्या सीख सकते हैं कर सकते हैं। तो जब हम लोग हिंदी सीख लेंगे, लिखने के लिए पढ़ने के लिए सीख लेंगे, सारे बेसिक चीज़ अगर हम लोग सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पत्र लिखना सीख सकते हैं, किसी चीज़ पर लेख लिखना सीख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं हिंदी में, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये सारे चीज़ बेसिक हिंदी का सीख लिए हैं तो हम लोग लेख लिखेंगे। लेख कैसे लिखेंगे? हम लोग किसी चीज़ पे लेख लिखना है, मान लीजिए डॉग पे लिखना है, मतलब कुत्ते पे लिखना है, गाय पे लिखना है, हमारा राष्ट्र पे लिखना है, गांधी जी पे लिखना है, या फिर नेशनल फ्लैग पे लिखना है, किसी चीज़ पे भी लिखना है तो हम लोग उस पर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे गाय पे हम लोग लिखते हैं तो गाय पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। गाय को हम लोग बेसिकली देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेख लिखने का यही बेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लेख लिखना है। सबसे उसका पहला ये है कि जिस चीज़ पे लिखना है उसको हम लोग उसके बारे में देखेंगे क्या चीज़ है। जैसे कि गाय है तो गाय के अंदर क्या क्या चीज़ है। गाय के अंदर, गाय को चार पैर होती है, गाय के दो आँख होते हैं, दो कान होते हैं, और उसकी एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से बहुत बहुत सारे चीज़ें मिठाइयाँ बनती हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ये सारे हम लोग उस पर लिख देंगे। इसको हम लोग लेख बोलते हैं, इससे हम लोग लेख लिखेंगे। तो ये होगी हिंदी में लेख लिखना। पत्र लिखना है, जैसे एप्लीकेशन लिखना है या किसी को लेटर लिखना है, तो उसका भी फॉर्मेट होता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेटर लिखना सीखेंगे, उसको लिखेंगे सेवा में एप्लीकेशन है तो प्रधानाचार्य, फिर विषय डालेंगे, उसके बाद फिर किस लिए चाहिए ये लिखेंगे, उसके बाद सारा चीज़ इसका फॉर्मेट। तो वो मैं लिखना आपको सिखाऊंगी, लेटर लिखना सिखाऊंगी, लेख भी लिखना सिखाऊंगी। तो ये था आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो था, कि हम लोग हिंदी जब सीख लेंगे तो लैंग्वेज किस तरह हम लोग आगे उसको और भी लिखना पढ़ना और आगे चीज़ भी लिखना सीखेंगे। तो वीडियो में आज यहीं तक था कि हम लोग आगे हिंदी में इम्प्रूव कैसे कैसे और भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मैं आपको आगे जो है कि लेख लिखना भी सिखाऊंगी और लेटर भी लिखना सिखा दूंगी। उसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगी जो एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होंगे, बड़े बड़े एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होते हैं, वो भी वीडियो डालूंगी। तो हिंदी से ही रहेगा, अभी तो हिंदी से ही है तो हिंदी से ही रहेगा। तो बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी हिंदी का क्वेश्चन जब आता है तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सब भी बताऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रिम मिश्रा।